हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस थिन फिल्म सोलर सेल्स। अब ये थिन फिल्म सोलर सेल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग उसी पर डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव डिस्कस टिल नाउ अबाउट मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकन एंड गैलियम आर्सेनाइड सोलर सेल्स विच आर एफिशिएंट फोटो कन्वर्टर्स विथ हाई कलेक्शन एफिशेंसी। तो अभी तक हम लोगों ने सिलिकन और गैलियम आर्सेनाइड सोलर सेल्स को डिस्कस किया था, जो कि एफिशिएंट फोटो कन्वर्टर्स हैं एंड हैव हाई कलेक्शन एफिशिएंसी। हाउएवर सिंगल क्रिस्टल आर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, मतलब कि सिंगल क्रिस्टल अगर सिलिकन की बात करें तो इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड सो देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट इन फाइंडिंग फोटोवोल्टेक मटेरियल of less demanding material quality which can be grown more cheaply. A number of materials have been identified of which the best developed at present are amorphous silicon, polycrystalline cadmium telluride CdTe, polycrystalline copper indium diselenide CuInSe2, crystalline thin film silicon, that is P silicon. These thin films material are usually produced by physical or chemical vapor deposition technique which can be applied to large area and fast through output. तो जितने भी मैंने यहाँ पर टेक्निक बताई हैं या फिर मटेरियल सिस्टम बताएं, डेट कैन बी डिपॉजिटेड बाई आ मैथड डेट कैन बी डेवलप इन साइड आ लैब। तो जनरली दो टाइप के सिस्टम होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। तो ये जो मटेरियल मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ऑल ऑफ दिस मटेरियल्स आर लैब डिपॉजिटेड। द टर्म थिन फिल्म रेफर टू सोलर सेल टेक्नोलॉजी विथ मास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी रादर देन फिल्म थिकनेस। तो जो थिन फिल्म टेक्नोलॉजी है वो मास प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है, ना कि फिल्म की थिकनेस पर। जैसे कि अगर गैलियम आर्सेनाइड सो सोलर सेल है विच इज ऑफ अराउंड 4.5 माइक्रोमीटर थिक, इट इज नॉट बिलोंग टू दिस क्लास। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मटेरियल हम लोग बात कर रहे हैं टेक्निक की जिससे इन मटेरियल को प्रोड्यूस किया जाता है। अगर वो टेक्निक लैब बेस्ड टेक्निक है और मास में प्रोड्यूस कर सकती है मटेरियल को फॉर सोलर सेल, देन इट कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ थिन फिल्म सोलर सेल, दैट इज अ टेक्निक। Polycrystalline and amorphous semiconductor contains intrinsic defects which increase the density of trap and recombination center. For solar cell, this has the consequence that diffusion length are shorter. For material need to be strong optical absorber. So intrinsic defects बहुत ज़्यादा high होते हैं in a polycrystalline and amorphous semiconductor, जो कि हम लोग लैब में भी प्रोड्यूस करेंगे। तो इनमें डिफेक्ट्स ज़्यादा हैं तो ट्रैप्स और रिकम्बिनेशन सेंटर भी ज़्यादा होंगे, सो द मटेरियल नीड टू बी अ स्ट्रॉन्ग अब्सॉर्बर। अल्टरनेटली मल्टीप्लाई जंक्शंस मस्ट बी यूज्ड टू मेक डिवाइस ऑप्टिकली थिक। तो यहाँ पर एक जंक्शन नहीं, मल्टीपल पी एन पी आई एन इस टाइप के जंक्शंस हम लोग यूज करेंगे to get the material to absorb all of the light so that it can be a strong optical absorber. In case of very short diffusion length, it may be necessary to use extended built-in electrical field to aid carrier collection. This is the case of amorphous where PIN structure are preferred. So question kai bar pucha jata hai ki why PIN स्ट्रक्चर आर प्रेफर्ड फॉर अमॉर्फस सिलिकन, बिकॉज ऑफ शॉर्ट डिफ्यूजन लेंथ इट इज़ नेसेसरी टू एक्सटेंड द बिल्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड टू एड कैरियर कलेक्शन। क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। लॉसेस इन लेयर क्लोज टू द फ्रंट सर्फेस आर ग्रेटर, सो इट इज एडवांटेजियस टू रिप्लेस द अमीटर विद अ वाइड बैंड गैप मटीरियल एज अ विंडो मटीरियल, जो कि हम लोगों ने पहले भी यूज़ की थी गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड सोलर सेल्स में। तो लॉसेस फ्रंट में ज़्यादा होते हैं
तो बेटर है कि वहाँ पर हम लोग यूज़ करें एक वाइड बैंड गैप मटेरियल को. द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट स्ट्रिट्स इन द बैंड गैप कैन मेक द मटेरियल डिफिकल्ट टू डोप. अब डिफेक्ट्स हैं तो डिफिकल्टी भी, दैट इज कॉल्ड एज फर्मी लेवल पाइनिंग. तो बिल्ड इन बायस अवेलेबल थ्रू फर्मी लेवल पाइनिंग. तो डैट इज़ अ प्रॉब्लम कि डिफेक्ट्स ज़्यादा होंगे तो डोपिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि डिफेक्ट्स फर्मी लेवल को पाइन कर देते हैं, अपनी जगह से हिलने नहीं देते हैं. तो इन दैट केस अगर आप डोपिंग बढ़ाना चाहते हो या फिर कम करना चाहते हो, इन दैट केस बिकॉज ऑफ दिस फर्मी लेवल पाइनिंग, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव डिफेक्ट्स इन द बैंड गैप, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन बाउंड्री एंड अदर इंट्रेंसिक डिफेक्ट्स इंक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ द फिल्म, पर्टिकुलरली एट लोअर डोपिंग डेंसिटी. सो द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवाइस गेट अल्टर्ड. मतलब कि हमें जो चाहिए था उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहे हैं. तो क्यों? क्योंकि ग्रेन बाउंड्री और अदर इंट्रेंसिक डिफेक्ट्स रेजिस्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एट लोअर डोपिंग डेंसिटी. थिन फिल्म फोटोवोल्टेक मटेरियल्स, रिक्वायरमेंट फॉर सुटेबल मटेरियल्स. गुड थिन फिल्म मटेरियल शुड बी लो कॉस्ट, नॉन टॉक्सिक, रोबस्ट एंड स्टेबल. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. दे शुड बी अब्सॉर्ब लाइट मोर स्ट्रांगली देन सिलिकॉन. कैसे? आगे डिस्कस करेंगे. हायर अब्सॉर्प्शन रिड्यूसेस द सेल थिकनेस, सो रिलैक्स द रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्ग मैग्नेटिक कैरियर डिफ्यूजन लेंस, अलाउइंग लेस प्योर पॉलीक्रिस्टलाइन और अमॉर्फस मटेरियल टू बी यूज्ड. अगर स्ट्रांगली लाइट को अब्सॉर्ब करेगा तो मटेरियल हमें कम चाहिए होगा. सुटेबल मटेरियल शुड ट्रांसपोर्ट चार्ज एफिशिएंटली एंड शुड बी रेडिली डॉप्ड. जो भी मटेरियल है वो चार्ज को एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट कर पाए और रेडिली डोप हो पाए. ऑफ द एलिमेंट सेमीकंडक्टर ओनली सिलिकॉन हैज अ सुटेबल बैंड गैप फॉर फोटोवोल्टेक एनर्जी कन्वर्जन. ठीक है, जर्मेनियम नहीं सुटेबल है एज कंपेयर टू सिलिकॉन. बैंड गैप कम होने की वजह से लॉसेस ज़्यादा हैं. कंपाउंड सेमीकंडक्टर ग्रेटली एक्सटेंड द रेंज ऑफ अवेलेबल मटेरियल्स एंड दीज आर द नंबर ऑफ सेकेंड सिक्स बाइनरी एंड वन थर्ड सिक्स टर्नरी कंपाउंड्स. तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में कुछ ऑप्शंस हैं. एट प्रेजेंट द लीडिंग कंपाउंड सेमीकंडक्टर फॉर थिन फिल्म फोटोवोल्टेक्स आर कैडियम टेलेलाइट, चालकोजिनेट अलॉयस एंड अमॉर्फस कार्बन एंड सिलिकॉन. तो जो लीडिंग सेमीकंडक्टर्स हैं मटेरियल्स फॉर फोटोवोल्टेक फैब्रिकेशन आर कैडियम टेलेलाइट, चालकोजिनेट अलॉयस एंड अमॉर्फस कार्बन एंड सिलिकॉन. इन दिस फिगर यू कैन सी द अब्सॉर्प्शन कॉफिशियंट ऑफ डिफरेंट सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स विद रिस्पेक्ट टू energy of incoming photons. You can see that the direct band gap material gallium arsenide, cadmium telluride, both has very sharp absorption edge and quite large absorption coefficient as compared to the indirect band gap material like silicon. Whereas in case of amorphous silicon, you can see that it has although less absorption edge, but the absorption coefficient for a particular wavelength is higher than the crystalline silicon. And here is a dye that is organic solar cell, which has again a very good absorption coefficient for a particular range of wavelengths, especially in visible region. Ye visible hai jo main draw kiya. Here in this figure you can see the generated photocurrent versus the thickness of the device. Again you can see that the direct band gap material has good photocurrent production typically at the interface, that is a junction,
whereas in case of silicon it has very good photocurrent generation beyond the junction, that is inside the base. That's all for today. Thank you.